राष्ट्रवादी महिला संगठन ग्रामीण की ओर से भाजपा नेता जय भगवान गोयल का तीव्र निषेध किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त किया। दिल्ली भाजपा के नेता जय भगवान गोयल, इन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी, जिसके चलते महाराष्ट्र के नागरिक और शहर की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तीव्र रोष व्यक्त किया है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रवादी महिला संगठन ग्रामीण की ओर से गणेशपेट परिसर में भाजपा के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की और इस घटना के बारे में जानकारी सलील देशमुख और महिला पदाधिकारियों ने दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओर से आज हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जय भगवान गोयल, इन्होंने जिस प्रकार से एक पुस्तक का विमोचन किया और उसके अंदर में जिस प्रकार का एक संवाद, एक डायलॉग लिखा गया कि मोदी की तुलना ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से की गई है, जिसके चलते आज पूरे महाराष्ट्र में चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या अन्य ऐसे सभी दल पूरे एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी के उस विधान का निषेध करते हुए या तीव्र रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रही है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज इस परिसर में हम की टीम आई है, जहां पे हम देख सकते हैं कि सलील देशमुख से लेकर तमाम बाबाराव गुजर से लेकर और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से जिन्होंने की है, ऐसे ऑथर का निषेध करते हुए नजर आ रही है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में सलील जी हमारे साथ में। सलील, ये बताए कि जिस तरह से यह आंदोलन जो हुआ है और किताब को लेकर जो बवंडर जो खड़ा हुआ, इस बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी जी से किए, इससे पूरे महाराष्ट्र में न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर, महाराष्ट्र के जवान, महिला, वृद्ध, इन सब में एक बहुत बड़ी नाराजी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से हो नहीं सकती और ऐसी तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं जिससे सब पूरे समाज में नाराजी है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक आराध्य देवत है, उनके हिसाब से उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और नरेंद्र मोदी जी इनकी जो तुलना हुई है वो बहुत गलत बात है। सभी जाति पंथ वाले लोग शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा मानते हैं और इसीलिए सब लोग नरेंद्र मोदी जी पे नाराज है और उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। ये हम सब लोगों का आदेश है और हम सब लोगों की इच्छा है कि उन्होंने अपनी कोई भी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं करनी चाहिए। ये हम राष्ट्रवादी की ओर से उनको चेतावनी देते हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी भूल अभी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा भी यही कहना है कि जब इतने बड़े आदमी का नाम लेते हैं, जब शिवाजी महाराज मतलब एक छत्रपति महाराज है वो, और उनके तुलना अगर मोदी जी से करते हैं तो ऐसे तो सभी जनता ने उन पर निषेध करना चाहिए और यही आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम राष्ट्रवादी की ओर से भारतीय जनता पार्टी का निषेध करते हैं, मोदी जी का वास्तविकता निषेध करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक उनकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, अगर सूरज को अगरबत्ती दिखाने जैसा काम है, लेकिन जिस प्रकार से ये कामकाज आए दिन शहर में इन माध्यमों से राजकारणी लोगों की तरफ से खासतौर पर हो रहा है, जिसके चलते शहर का जो वातावरण है पूरी तरह से प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सर्वधर्म समभाव और एक दूसरे के मजहब का किस प्रकार से हमने सम्मान करना चाहिए, ये एक देखने वाली बात होगी। इसलिए राजनेताओं के भी एक कार्यशाला होना चाहिए और इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए और कोई आपस में जिस प्रकार से एक जो बात उभर के सामने आती है उसकी कोई रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रीय एकात्मता है, भारत के सभी जाति धर्म पंथ के लोग एक दूसरे के मजहब का और वहां के महापुरुषों का आदर सम्मान करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से कैमरे पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज नागपुर। भारतीय जनता पार्टी